पर एक को भी छुटकारा नहीं। हर आदमी पुल सिरात पर गुजरना, अल्लाह के नबी कहते पुल सिरात पर गुजरने वालों के दाएं बाएं दो चीजों को अल्लाह खड़ा कर देगा, एक जानिब रिश्तेदारी खड़ी हो जाएगी, दूसरी जानिब अमानतदारी खड़ी हो जाएगी। दुनिया में पैसा में घपला करे वाले, मस्जिद के चंदा ले ले को खाए वाले, मदरसे के नाम पर लूट लूट को बिल्डिंग बना लिए वाले, यतीमान के नाम पर अंजुमन के नाम पर वो फंड ये तंजीम वो तंजीम ये दावा सेंटर लूट लूट को कारा में फिरने वाले, अमानत में खयानत करने वाले और रिश्तेदारियां काटने वाले। मियां बीवी का रिश्ता अच्छा नहीं, भाई भाई से रिश्ता अच्छा नहीं, भान भाई का रिश्ता अच्छा नहीं, अम्मा बाबा से रिश्ता अच्छा नहीं, रिश्तेदारियां काटने वाले। एक तरफ रिश्तेदारी खट जाती, एक तरफ अमानतदारी खट जाती। जो जत्ता अमानत में पक्का रहता, जो जत्ता रिश्तेदारियां निभाने वाला रहता, ये रिश्तेदारी ये अमानतदारी उसे सहारा देकर पुल सिरात पार करा डालती। अगर उन्हें अमानतदारी में अनकम्प्लीट है, अगर उन्हें रिश्तेदारियां निभाने में अनकम्प्लीट है, ये रिश्तेदारी ये अमानतदारी उसे ऐसा पकड़ को जकड़ डालती ना उन्हें पुल सिरात पार कर सकता, ना उन्हें पुल सिरात से गुजर सकता। और जो गुजरता उन्हें जन्नत में जाता, जो नहीं गुजरता उन्हें कट को जहन्नम में गिर जाता। पुल सिरात एक बड़ी आजमाइश का इम्तिहान कयामत के दिन उसे। अच्छा, आप लोग जो अल्लाह तबारक व ताला के शुक्रगुजार बंदे बनना चाहते हैं, आप जो दुनिया में जिंदगी गुजार रही, आपके हाथों से जबान से आपके बदन से कितने पड़ोसी आपको तकलीफ हो रही, तुम्हारे गली महल्ले वाले तुम्हारे से खुश हैं या नाराज हैं, उसका तो भी अंदाजा करें। ला युमिनु अहदुकुम, अल्लाह के नबी कहते वो आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोस उसकी शरारत से महफूज ना हो, उसका पड़ोस उसकी शरारत से महफूज ना हो। तुम्हारे पड़ोस तुम्हारी शरारत से महफूज है ही नहीं है, अंदाजा लगाए। जर्रा क्या तो भी हुआ तो रिश्तेदार से बात छोड़ डाल, जमात में कौन तो भी जर्रा बात करे उससे बातचीत बंद, साले भवनी में क्या बातचीत हुई साले से रिश्ता कट, साड़ुआ में क्या तो लेवा देवी में कमी पेशी हुआ साड़ुआ का कट, सग्गा भाई सग्गा बड़ा भाई इन्हें छोटा भाई, कब की पैसे लिया था कहते टाइम पर नहीं दिया, खूब बात करके पैसा काट लिया था उस दिन से कट। क्या कि बच्चे के बारे में देवरानी जठानी क्या कि बात बहस कर लिया कहते बातचीत बंद। कई के मुसलमान जी हमें अल्लाह के नबी फरमाते तीन किस्म के मोमिन ऐसे हैं जिनकी इबादत उनके सरों के एक बिलिश्त ऊपर भी नहीं जाती। आसमान में जाना तो दूर की बात, तुम्हारे सर के एक बिलिश्त ऊपर नहीं जाती तुम्हारी दुआ, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा हज, तुम्हारी जकात, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी सारी कुर्बानियां सिर के एक बिलिश्त ऊपर नहीं जाती। वो कौन है तीन? उसमें का एक मुसलमान से बगैर, दूसरा मुसलमान बगैर किसी उजर के तीन दिन से ज्यादा बातें छोड़ने वाला। बातचीत बंद हमारी, जर्रा कहते भी कमी पेशी आई बातचीत बंद, जरूरत नहीं चल रही। ये बेटा मुझे सलाम नहीं करता, मैं क्या उसे सलाम करना, अकड़ ले फिरने वाले हमें खाली। अल्लाह ताला नाम अमाल पीठ के पीछे से देता बाज लोगों को सामने से सीधे हाथ में देता, सीधे हाथ में। वअम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनि, जिसका नाम अमाल सामने से दिया गया, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, उसका हिसाब आसान लिया जाएगा। वअस्हाबुल यमीनि मा अस्हाबुल यमीन, अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब वो लोग खड़ेंगे। तुम क्या मालूम, तुमको क्या जानो वो दाएं जानिब वाले कौन होंगे। सूरह क़ियामा अल्लाह ताला सूरह वाकिया में अल्लाह बोलते वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन वअस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल, बाएं जाने वाले तुम्हें क्या मालूम कि वो बाएं जाने वाले कौन होंगे। पीठ के पीछे से लेफ्ट हाथ में अल्लाह बाएं नाम अमाल थमा देता। वअम्मा मन उतिया किताबहु बिशिमाली, जिसका नाम अमाल उसके पीठ के पीछे से दिया गया, वरा अज़हरिही, उसके पीठ के पीछे से थमा दिया गया। यदऊ सुबूरा, मौत को चिल्ला कर पुकारेगा, ऐ मौत आजा मुझे गले लगा ले, मैं मरना चाहता हूँ जहन्नम में जाना नहीं चाहता। उसे कयामत के दिन कोई मौत भी नहीं आएगी।
हलक अन्नी सुल्तानी अम्मा अगना अन्नी मालिया। वो कहेगा मैं दुनिया में कितना बड़ा एमएलए था ना रे, गली का काउंसलर था, जमात का अमीर था, मैं बड़ा सीएम पीएम था, मेरा अहदा मेरे काम में आया, मेरी दौलत मेरे काम नहीं आई। हलक अन्नी सुल्तानिया माँ अगना अन्नी मालिया, मेरे माल ने मुझे नहीं बचाया। हाय हाय बर्बाद चीख बमड़ा मार ले बैठ जाता हाँ। इसीलिए जब तक दुनिया में जी रही जाक माफी मांग लियो जी, इनके उनका दिल तोड़ो न को जी। अब आप सोचेंगे मैं कैसा माफी मांगना मोल साहब, मैं बड़ा आदमी मोल साहब। अरे क्या था बड़ा रे तू, अल्लाह की कुदरत के सामने राई के दाने की भी हैसियत नहीं तेरे पास, अल्लाह की कुदरत के सामने राई के दाने की हैसियत नहीं। इंसानों में सबसे बड़ा दर्जा किसका भाई, नबियों का, पैगंबरों का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इन्नल हमदलिल्लाह अलहम्दुलिल्लाहि हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी इलाही लकल हमदु या ज़ल जलाल वल इकराम व या ज़िल इज्जति लती ला तुराम والصلاة والسلام على من لا نبي بعد السلام فأنك السلام ومنك السلام وبعد। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज 7 अक्टूबर 2022 बरोजे जुमा, विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश का एक बड़ा शहर है, कैपिटल सिटी है, इस विजयवाड़ा की सनत नगर की अहले हदीस मस्जिद में बाद नमाज़े मगरिब ताईशा चलने वाले इस प्रोग्राम में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई ज़िला बलहारी कर्नाटक आपके सामने। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने बैठा हूं। मेरे भाइयों, इस दुनिया में जीने वालों में बहुत किस्म के लोग हैं, बहुत सारी मखलूक हैं, उसमें अशरफुल मखलूक हम इंसानों को अल्लाह ताला बनाया है। अशरफुल मखलूक फरिश्तों से भी बड़ा दर्जा हमारा। फरिश्ते कौन? नूर से पैदा किए गए, वो अल्लाह का नूर नहीं, एक अलग नूर से पैदा किए गए फरिश्ते, जिनको ना खाने की ज़रूरत है, जिनको ना पेशाब की ज़रूरत है, ना पाखाने की ज़रूरत है, ना बीवी की ज़रूरत है, ना बच्चे उनके हैं। जब से अल्लाह उनको बनाया, अल्लाह के हमद व सना बयान करते आसमान में बैठे, 7 आसमान भरे पड़े हैं अल्लाह के फरिश्तों से। एक इंसान के पैर रखने की जगह भी बाकी नहीं, उतने फरिश्ते हैं अल्लाह के। वो तमाम फरिश्ते हमेशा साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट, मिनट के 60 सेकंड, हर हमेशा, हर लम्हा, हर पल अल्लाह के हमदो सना बयान करती हूँ। उन फरिश्तों से भी बड़ा दर्जा हमारा, हम इंसानों का। कैसे इंसान है? हमें ढंग से नमाज नहीं पढ़ रहे, अल्लाह का खाको किसी और के गुनगाने वाले,
जिक्र कम करती, तिलावत कम करती,